उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बीती रात आई बारात में प्रधानपति के द्वारा पिस्टल से हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें दो मासूम बालक घायल हो गए, जिन्हें CHC से लोहिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया। थाना कपिल के ग्राम सिकंदरपुर खास निवासी पप्पू पुत्र मथुरा की पुत्री सोनी की बीती रात बारात आई थी। द्वार चार का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान ग्राम प्रधानपति सत्यपाल सिंह राजपूत ने अपनी पिस्टल से दो फायर हवाई किए। तीसरा फायर मिस हो गया। मिस हो जाने के बाद जब पिस्टल नीचे को की, तभी वह तीसरा फायर भी हो गया, जिससे द्वार चार की रस्म देखने आए गांव के 10 वर्षीय अनुराग पुत्र राजीव कश्यप, 8 वर्षीय प्रियांशु पुत्र शंभू बाथम के कोख में जाकर फंस गई, जिससे दोनों बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। कायमगंज CHC ले गए। सूचना पर CO शहराब आलम दलबल के साथ CHC पहुंचे और पूछताछ की। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को लोहिया जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद ग्राम प्रधान मौके से खिसक गया, उनकी हालत बिगड़ गई और अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने प्रधानपति की पिस्टल कब्जे में ले ली है। कल दिनांक 4/7/2022 को समय रात्रि लगभग 11:30 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना कंपिल के ग्राम सिकंदरपुर खास में हर्ष फायरिंग में दो बच्चों को गोली लग गई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी कायमगंज SO कंपिल और SOG टीम मौके पर पहुंची और जांच करने पर पाया कि कल आकाश पुत्र पप्पू कश्यप की शादी ग्राम सिकंदरपुर खास में थी, जिसमें प्रधानपति सतपाल राजपूत पुत्र वीरेंद्र सिंह द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। उस हर्ष फायरिंग में दो बच्चे, जिनका नाम प्रियांशु कश्यप उम्र 8 वर्ष व अनुराग कश्यप उम्र लगभग 9 वर्ष को पेट में गोली लगी थी। मजरूबों को CHC कायमगंज में इलाज कराया गया, मेडिकल लीगल कराया गया। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फर्रुखाबाद और तदुपरांत मेडिकल कॉलेज SFI रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज SFI में इनका उपचार चल रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर लिया गया है व घटनास्थल से प्रयुक्त खोखा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।